ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और रिसर्च एप्टीट्यूड से लिटरेचर रिव्यू सेक्शन से इसे लिया गया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि सही आंसर क्या होना चाहिए। तो यहां पे पूछ रहा है आइडेंटिफाई करेक्ट रीजंस फॉर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जो हम लिखते हैं किसी रिसर्च को करते समय या फिर जब भी हम अपनी थीसिस लिखते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसमें सबसे शुरुआती सेक्शंस में लिटरेचर रिव्यू आता है, जहाँ पे हम ये बताते हैं कि जो हमारे रिसर्च का टॉपिक है उससे जुड़े हुए क्या क्या काम पास्ट में हुए हैं, क्या क्या हमने पहले से स्टडी करके रखा है, तो वो हम लिटरेचर रिव्यू में डालते हैं। अब क्या रीजन है लिटरेचर रिव्यू डालने का, एक एक पॉइंट समझते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत। पहला, यू नीड टू नो व्हाट इज ऑलरेडी नोन इन कनेक्शन विद योर रिसर्च एरिया। आपके रिसर्च से संबंधित पहले से क्या क्या काम किया जा चुके हैं ये जानना जरूरी है, इसीलिए लिटरेचर रिव्यू को डाला जाता है, जो कि बात सही है। दूसरा, इट मे हेल्प यू टू डेवलप एनालिटिकल फ्रेमवर्क, और ये आपको मदद कर सकता है आपकी फर्दर रिसर्च के लिए कि कैसे आप अपने पूरे रिसर्च का फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो हाँ, लिटरेचर रिव्यू आपको मदद करता है ये समझने में कि हाँ भाई रिसर्च जो है कैसे लोगों ने करी है, आप किस प्रकार से रिसर्च कर सकते हो, एंड सो ऑन, तो एक फ्रेमवर्क आपको जानने में मदद मिलती। तीसरा पॉइंट है, इट विल हेल्प विथ द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स। ये आपको मदद करता है आपका जो फाइंडिंग आती है उसको समझने में, यानी कि जो पास्ट में काम हुआ है जो कि लिटरेचर रिव्यू में है उसके कंपेरिजन में जो आपका आउटकम आया है उसको आप एक दूसरे के साथ देख के समझ सकते हो कि पहले जो लोगों ने काम करा उनका क्या आउटकम आया था, मैंने जो करा उसका क्या है, एक कंपैरिजन आपको मिल जाती है लिटरेचर वर्क के साथ, तो ये भी बात सही। और डी ऑप्शन कह रहा है, इट मे सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस फॉर यू। और लिटरेचर रिव्यू जब आप करते हो तो आपको अपने रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाना है इसकी तो जानकारी मिलती है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाते हैं, और भी बहुत सारे आयामों में आपको रिसर्च करने का समझ में आ जाता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा फील्ड्स में और बहुत ज़्यादा जुड़े हुए टॉपिक्स में काम हो रहा है, तो हाँ उसमें भी जो है फर्दर रिसर्च हम कर सकते हैं, तो और ज़्यादा आपका एक दिमाग जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव उसमें आ जाता है ना। तो डी पॉइंट भी सही है, इसका मतलब ये सारे पॉइंट जो है लिटरेचर रिव्यू से जुड़े हैं और बिल्कुल सही हैं।